भाजपा सरकार में 7 बिंदुओं पर निस्तारण न होने पर भाजपा के जिला मंत्री धरने पर बैठ गए हैं। 7 बिंदुओं का निस्तारण न होने पर क्रमिक धरना पर बैठे आजमगढ़ जनपद के भाजपा के जिला मंत्री महेंद्र मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जिला प्रशासन को बराबर निर्देश जारी होते हैं कि भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए, सरकारी भूमि से कब्जा हटाया जाए, कोई किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रशासन जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान से भी खिलवाड़ कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं शासन की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ प्रमुख बिंदुओं पर लगातार लिखा पढ़ी होने के बाद भी कोई सुनवाई न होने पर मजबूरन क्रमिक धरना देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे 7 बिंदुओं का निस्तारण न होने पर हमारा क्रमिक धरना जारी रहेगा। आगे क्या कुछ कहा जिला मंत्री भाजपा महेंद्र मौर्य ने, देखें हमारी खास रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? महेंद्र मौर्य, जिला मंत्री भाजपा आजमगढ़। अब धरना बैठे हैं, क्या मामला है? समस्या ये है कि 11 अप्रैल 2016 आप सभी के संज्ञान में है कि मैंने यहाँ रैदोपुर से एक मौन जुलूस निकाला था और उसमें सरकारी भूमि पे अतिक्रमण, जलाशयों पे अतिक्रमण, जलाशयों के गंदगी के खिलाफ, जो उनके बाहें नहीं साफ हुए हैं जलाशय के, उनके खिलाफ उस समय समाजवादी सरकार में हमने आंदोलन किया था। हमारी सरकार बनी, उसके बाद 17 अप्रैल 2017 को एक दैनिक जागरण में खबर छपता है लखनऊ ब्यूरो से कि 12,500 तालाबों का कायाकल्प होगा। तो उस समय हमने भी सोचा कि हमारे आजमगढ़ के भी जलाशय उसमें कुछ न कुछ कुछ हिस्से तो आ जाएंगे, लेकिन कोई कार्य आज 4 साल होने को है हमारी सरकार को, कोई कार्य जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। जो भी अधिकारी लोग आए अपना घूमे, क्या किए वो समझ में नहीं आ रहा हमारे बात। हमने 12/10/2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी को नाम एक ज्ञापन दिया था, जिलाधिकारी महोदय को, 7 बिंदु पे, जो आम जन की समस्या है, जो सरकारी समस्या है, जो सरकार के कब्जे हो रहे हैं जलाशय उन पे, 7 बिंदु में है। एक रानिक सराय में है, नहर की जमीन है और मेरे मामा जी का मकान बना है वहाँ, नहर की ज़मीन अगल बगल सारे लोग कब्जा कर चुके हैं, मेरे मामा जी नहर के हिस्से पे नहीं गए, तो उनका रास्ता बंद कर दिया गया। वो 2 साल से कोई सुनवाई नहीं, वो कोई कार्य नहीं हुआ। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस समय तहसीलदार साहब को कहा गया कि 2 दिन के अंदर ख़त्म करें, अभी मैं 2 दिन DM हूँ, NP सिंह जी ने कहा, लेकिन उसके बाद भी वो रास्ता हमारा नहीं खुला। दूसरा अवंतिकापुरी, आमक और महामंडलेश्वर, ये ऐसे जलाशय हैं जहाँ से अनादिकाल से बहाव के स्रोत के बहते थे तो नदियों की धारा मजबूत होती थी। उन बाहों पे आज 4 साल में कोई कार्य नहीं किया गया, आज बहुत बुरा हाल है जलाशय का, आप जाके देख सकते हैं। तीसरा चखुटवा, पिछली सरकार में क्या हुआ उससे नहीं मतलब है, हमारी सरकार में एक खबर आती है 9 फरवरी 2018 को, जिलाधिकारी CB सिंह होते हैं, ये कहते हैं कि ज़िले में जो भी जलाशय ये पोखरी पोखरा है उनको चिन्हित किया जाए, 4 साल हो गए उसको उल्टा सीधा केवल आँखियाँ लगा करके खोज रहे हैं। चखुटवा, उसमें नगर पंचायत के चेयरमैन द्वारा 40 ट्रैक्टर कूड़ा डाल के उस पोखरी को पाट दिया गया, जिसको हमने समाजवादी सरकार में बचाया था वो हमारी सरकार में पट गया। दूसरा नगर पंचायत, लॉकडाउन में नगर पंचायत में लखराव पोखरे पे जो पहले से लोग बसे हैं, छोटे छोटे घर हैं, उनको उठा करके आवास में नहीं डाल रहे, 200 आवास हमारे यहाँ खाली है, उनको नहीं डालो, गंदा पानी मलमूत्र अपना उसी जलाशय में हमारे पोखरे में पहाते हैं। अभी जल्दी लॉकडाउन में जहाँ सब लोग अपने अपने घरों में थे, लॉकडाउन में वहाँ बहुत बड़ी पैमाने पे जमीन कब्जा हुआ, मकान बन गया, उस पर कार्रवाई करने के। दौलतपुर में इसी तरह जब जमीन कब्जा हुआ, और छठवां ST का दुरुपयोग करके जमीन कब्जा हुआ मेहनगर तहसील में रजहां में। CIBN इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।